हेलो एवरीवन, दिस इज अंशुमन एंड वेलकम टू राइट वे ट्रेडिंग। स्वागत है आपका हमारे इस ईगल आईव्यू सीरीज के नए एपिसोड में। अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ईगल आईव्यू एक ऐसी सीरीज है जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग के कुछ अच्छे स्टॉक्स आप लोगों के लिए लेके आता हूँ जो आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। याद रखिएगा, ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं होगी। अगर आपको इन स्टॉक्स में बाइंग करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद या फिर खुद एनालाइज करने के बाद ही बाय करें। तो आज का जो हमारा पहला स्टॉक है वो है ICIL, दैट इज इंडो काउंट इंडस्ट्रीज। इस पर्टिकुलर स्टॉक को मैंने क्यों सेलेक्ट किया, एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। अगर आप इस स्टॉक का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देखो तो ये जो स्टॉक है ना, ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, ये देखो, ये जो स्टॉक है ये एक अप ट्रेंड में चल रहा है। अभी आप एक चीज देखो, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मार्क करता हूँ ना, ये देखो, अगर मैं इससे मिलाते हुए ट्रेंड लाइन मार्क करूँ ना इस तरीके से, तो आपको दिख रहा होगा, ये देखो, ये सेकंड हायर लो बनाने के बाद मंथली टाइम फ्रेम में तीसरी बार इसने देखो उसी ट्रेंड लाइन से बाउंस किया है। तो इसी एरिया को टच करते हुए मैंने ये ट्रेंड लाइन मार्क किया और उसी के बाद देखो उसने उसी एरिया से बाउंस किया है। और अभी वो क्या कर रहा है, अभी आपको मैं यहाँ पे एक चीज दिखाना चाहूंगा। अभी ये जो इसका प्रीवियस एरिया ऑफ सपोर्ट था ना, ये देखो, ये जो प्रीवियस एरिया ऑफ सपोर्ट था वहीं से प्राइस बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। ये देखो मंथली टाइम फ्रेम पे ये जो इसका एरिया ऑफ सपोर्ट था ना, वहीं से प्राइस बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि देखो, मार्केट जब यहां से फॉल किया ना, तो उसने यहीं पे चार पांच महीना कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट फॉल किया था। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले एक स्टॉक में बताया कि जब भी एरिया ऑफ सपोर्ट ब्रेक हो ना, आप छोटा सा लॉस लेके निकल जाओ, हो सकता है कि उसकी स्थिति ऐसी हो जाए, वो बहुत ज्यादा फॉल कर जाए, तब आप क्या करोगे, आप तो लेके बैठे रह जाओगे। इसीलिए एक बार को लॉस लेके निकल जाओ, दोबारा रिक्लेम हो, देखो दोबारा बाय करो। ठीक है, तो इस चीज को ना आपको हमेशा फॉलो करना बहुत जरूरी है। कभी भी ना किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ना इमोशन लेके मत बैठ जाओ कि नहीं ये फॉल कर रहा है, मैंने तो बोला था कि अगर वो सपोर्ट टूट जाता है तो मुझे फिर भी होल्ड करना चाहिए, वो ऑपरेटर का वो मतलब मास्टर प्लान होता है, हो सकता है। बट आपको जब जो चार्ट में दिखे चार्ट को रिस्पेक्ट करो, अपना लॉस बुक करो, निकल जाओ, दोबारा एंट्री मिले दोबारा एंट्री करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाओगे। ठीक है, अब अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा फंडामेंटल दिखा दूं, तो फंडामेंटल अगर आप स्टॉक के देखो तो मार्केट कैप इसका 4758 करोड़ के आसपास है। स्टॉक का पी यहाँ पे 17.4 का है, इंडस्ट्री पी यहाँ पे 13.7 का है। ये बहुत ही नॉर्मल है, तो ये मुझे एवरेज लग रहा है, आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 15.1% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 16.3% का है, विच इज गुड। मैं बोलूंगा बहुत अच्छे तो नहीं बोलूंगा मैं इन्हें। फ्री कैश फ्लो यहाँ पे 413 करोड़ के आसपास का है, नेट प्रॉफिट एनुअली यहाँ पे 270 करोड़ के आसपास का है, नेट प्रॉफिट क्वार्टरली यहाँ पे देखो आप 73.7 करोड़ के आसपास का है। डेट कंपनी के ऊपर 876 करोड़ का है, बट डेट टू इक्विटी यहाँ पे लेस देन 1 है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव साइन है। प्रोमोटर होल्डिंग अगर आप यहाँ पे देखो तो 58.7% की है। प्रोमोटर होल्डिंग दिखाने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाना चाहता हूँ। अगर आप क्वार्टरली इसके सेल्स देखो ना, ये देखो क्वार्टरली इसका सेल्स क्या हो रहा है, 849 करोड़ का सेल, फिर दिसंबर 2022 में 662 करोड़ हो गया, मार्च में फिर 810 करोड़ हो गया, जून में भी फिर 747 करोड़ का हो गया। तो सेल्स क्या हो रहा है, इसका ऊपर नीचे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। या तो कंपनी कुछ इन्वेस्टमेंट कर रही है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, इसीलिए कंपनी के एक्सपेंसेस हो रहे हैं। इसी वजह से देखो इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी थोड़ा कम रजिस्टर हो रहा है यहाँ पे। नेट प्रॉफिट अगर आप यहाँ पे देखो तो देखो कंटिन्यूअसली यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा था, बट इस बार थोड़ा सा कम दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसेस बढ़ रहा है कंपनी का। इन्वेस्टर्स अगर मैं यहाँ पे देख लूँ तो प्रमोटर्स होल्डिंग अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो 58.74% की यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग है फिलहाल। अभी FIIs की अगर आप यहाँ पे देखो तो FIIs के पास यहाँ पे 9.14% की हिस्सेदारी है, DIIs के पास यहाँ पे 0.02% की हिस्सेदारी है। अगर आप देखो FIIs और DIIs ने थोड़ा थोड़ा सा अपना यहाँ पे स्टेक घटाया है। ठीक है, पब्लिक के पास देखो यहाँ पे 32.10% की हिस्सेदारी है। अभी इस पर्टिकुलर स्टॉक को मैंने क्यों चूज किया, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे चले जाओ ना, ये जो देखो इसका एरिया ऑफ सपोर्ट था ना, जो प्राइस इसको ब्रेक करने के बाद दोबारा से रिक्लेम करके ऊपर की तरफ जा रहा है, अभी यहाँ पे देखो क्या हुआ है, ये जो इसका एरिया ऑफ रेजिस्टेंस था ना पहले, देखो जहां से प्राइस ब्रेक करने के बाद वहीं से रिजेक्ट होकर फॉल किया, दोबारा वहीं से रिजेक्ट होकर फॉल करने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद सपोर्ट ब्रेक किया, जैसे ही सपोर्ट ब्रेक किया लोगों को बाहर निकाला, उसके बाद देखिए प्राइस कैसा रॉकेट की तरह भागा है। ठीक है, तो कभी भी ये देखो अगर आप यहाँ पे इस सपोर्ट से निकल रहे थे ना, 115 से देखो इसने 102 का हाई लगाया, तो ऑलमोस्ट 10% का आपका लॉस हुआ। बट जैसे ही आपने एरिया रिक्लेम होने पे दोबारा बाय किया ना, उसके बाद देखो आपका प्रॉफिट कितना है। तो इसीलिए हमेशा टेक्निकल एनालिसिस आपको सीखना बहुत जरूरी है। जैसे ही इस एरिया का देखो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, प्राइस वहां से रिटेस्ट लेके, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन मार्क किया, देखिए डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस इसी को रिस्पेक्ट करते हुए धीरे धीरे
अगर मैं बोलूं तो ये चैनल पैटर्न की तरह ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। चैनल पैटर्न वगैरह क्या होता है मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताता रहूंगा। तो अभी देखिए इसने आज हाई लगाया 240 के आसपास का, और इस वीक में अगर मैं देखूं तो इस वीक में इसने आसपास 13% के आसपास की इसने रैली दी है। तो आने वाले समय में मैं कौन से टारगेट्स इसमें देख रहा हूँ, मेरा जो पहला टारगेट होगा आने वाले समय में इस पर्टिकुलर स्टॉक में वो होगा 260 के आसपास का, और दूसरा टारगेट होगा हमारा 280 के आसपास का, क्योंकि यही वो एरिया है देखिए जो आसपास के हाई वाला एरिया है जहां से प्राइस रिजेक्ट हुआ था। तो आने वाले समय में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये दोनों टारगेट, ये जो हाईज है, इसी भी प्राइस निकाल के और ऊपर जा सकती है। देखिए मैंने एक ट्रेंड लाइन मार्क किया मंथली टाइम फ्रेम पे इस तरीके से, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए अगर मैं बोलूं तो ये टारगेट्स भी मैं आने वाले समय में देख के चल सकता हूं, जो है हमारा ऑलमोस्ट 358 का आसपास का प्राइस, ठीक है। तो ये वाला प्राइस भी हमें देखता हुआ मिल सकता है, और ऐसे मैं बहुत एग्जांपल आपको दिखा सकता हूं। एक मैं आपको एग्जांपल दिखा दूं, ओके, मैं एचबीएल पावर को खोलता हूं, एचबीएल पावर आपको एज एग्जांपल मैं शो करता हूं। अगर आप एचबीएल पावर का चार्ट देखो ना, ये देखो मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। एचबीएल पावर को अगर आप ध्यान से देखो, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया आईसीआईएल में, देखो उसी तरीके का सिनेरियो यहाँ पे फॉर्म ऑलरेडी हो चुका है। प्राइस ने उसी एरिया को रिस्पेक्ट करते हुए ट्रेंड लाइन जैसे जैसे ऊपर की तरफ गया, जैसे जैसे वो मंथली टाइम फ्रेम पे हायर हाई बनाते गया, मैंने ये देखो सेकंड हायर हाई से मिलाते हुए ट्रेंड लाइन को ऐसे मार्क करा हुआ है, और उसके बाद देखो थर्ड हायर हाई में भी एग्जैक्ट वहीं से रिजेक्शन आया, और फोर्थ हायर हाई के आसपास देखो प्राइस वहीं पे कैसे कंसोलिडेशन करता हुआ उसे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद एग्जैक्ट उसी ट्रेंड लाइन के आसपास आगे रिटेस्ट किया, और वहीं से प्राइस बूम कर गया, यानी कि 94 से लेके उसने हाई लगाया 238 का, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो 300% की रैली उसने ऑलमोस्ट दे डाली है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें ना मार्केट में काम करती है, बट आपको क्या करना है, आपको चीजों को देखना है, मल्टीपल चार्ट्स एनालिसिस करना है। जितने ज्यादा चार्ट्स आप देखोगे उतने इजीली तरीके से आप चार्ट्स को एनालिसिस कर पाओगे। और अगर आपको ये प्लेटफॉर्म यूज करना नहीं आता, इस प्लेटफॉर्म को ट्रेडिंग व्यू कहते हैं। आप हमारे फ्री लर्निंग वीडियोस में जाके ट्रेडिंग व्यू का मैंने एक वीडियो पूरा बना के रखा हुआ है, उस वीडियो को जाके देख सकते हो। वहां पे मैंने सारी चीजें इसमें बताई कि कैसे कैसे करके आपको चीजों को यूज करना है, ठीक है। तो अभी हम चले जाते हैं हमारे उसी स्टॉक में जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो इसका जैसे कि मैंने आपको टारगेट वगैरह बता दिया है, मेरे आने वाले टारगेट्स यही होने वाले, यही तो मेरे टारगेट्स होंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, ठीक है। तो आज का जो हमारा दूसरा वो स्टॉक है वो है हिमाद्री स्पेशलिटी। हिमाद्री स्पेशलिटी को मैंने क्यों सेलेक्ट किया, अगर मैं आपको इसके मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट दिखा दूं, तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप इस स्टॉक को अच्छे से देखो ना, ये एक एरिया था, एरिया ऑफ प्राइस था 78 के आसपास का, ठीक है। 78 के आसपास आके प्राइस ने हाई लगाया था 2008 में, और वहीं से प्राइस ने कंटिन्यूसली फॉल करा था। फॉल करने के बाद देखो उसने नियर अबाउट 2017 यानी कि 10 साल बाद ऑलमोस्ट इस एरिया का ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे एक चार्ट दिखा दूं यहाँ पे इसका, देखो वीकली टाइम फ्रेम पे उसने क्या किया, जैसे ही उस एरिया का ब्रेकआउट हुआ है वहीं से रिटेस्ट करके प्राइस ने हाई लगाया था नियर अबाउट 197 के आसपास का, ठीक है। अभी देखो जब उसने उस एरिया का ब्रेकडाउन दिया ना, ब्रेकडाउन देने के बाद प्राइस ने उसी एरिया को रिटेस्ट करके फॉल किया है। अब आपको मैं यहाँ पे और एक चीज दिखाता हूँ, मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप इस चार्ट को देखो, फिर से इसने नियर अबाउट 2022 के आसपास उस एरिया को ब्रेक किया। मैंने पर्सनली स्टॉक में ट्रेड किया भी है, 44 से बाई करके मैंने नियर अबाउट 67 के आसपास, देखो ये वो एरिया होगा, हाँ ये वाला वो एरिया था, यहाँ से बाई करके मैंने इस एरिया के आसपास बेचा, क्योंकि इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था, मैंने यहाँ पे बेच दिया था, ठीक है। उसके बाद भी बहुत मौके मुझे मिले बट मैं बाई नहीं किया, इस पर्टिकुलर स्टॉक को नहीं किया, एक्चुअली कर नहीं पाया। उसके बाद काफी बढ़ गया था ये, तो मुझे लगा कि यार मैं उस रैली को पकड़ ही नहीं पाया, तो अब मुझे इस स्टॉक में बाई करना ही नहीं है। बट उसके बाद देखिए फिर इस पर्टिकुलर स्टॉक का ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट वहीं से रिटेस्ट करके फिर एक रैली दे रहा था, ठीक है। तो अभी मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को क्यों सेलेक्ट करके आप लोगों के सामने लेके आया हूं, अगर आप इस एरिया को ध्यान से देखो, ठीक है, मैं डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आपको दिखाता हूं। अगर आप इस एरिया को ध्यान से देखो, ये एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस था जो प्राइस टेस्ट कर रहा था कंटिन्यूअसली, उसी एरिया से यहाँ पे फॉल आ रहा था। देखो मार्केट ने उस एरिया को कैसे स्ट्रांगली ब्रेक किया, उसके बाद उसने रिटेस्ट भी नहीं किया। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी कोई एरिया ऑफ रिजेक्शन ना मल्टीपल टाइम आपको वहां पे रिजेक्शन लेता हुआ दिखे ना, तो जनरली वो उस एरिया के आसपास आके ना ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट नहीं देता है और वो सीधा स्ट्रेट अवे ऊपर की तरफ भाग जाता है। और इसमें भी देखो एग्जैक्ट सेम सिचुएशन हुई है, एरिया का यहाँ पे देखो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे रिजेक्शन मिला है प्राइस को, उसके बाद देखो वो सपोर्ट के आसपास है और उसके बाद उसने एरिया को ब्रेक किया, नो रिटेस्ट, सीधा वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक में मैं आने वाले टारगेट्स आपको बताऊं ना, ये देखो ये जो हाईज है ना इस पर्टिकुलर स्टॉक्स के, ये मेरे आने वाले टारगेट्स होंगे। और जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले भी, राउंडिंग फॉर्मेशन जब भी आपको इस तरीके का दिखे ना, तो ये तो इसके हाई तक तो जाना ही चाहिए इसे, उसके बाद ये जो इसका डीप है ना जितना भी होगा ऊपर साइड का, वो उसके आने वाले टारगेट्स होने वाले हैं। तो
तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में मेरा जो टारगेट होगा वो होगा पहला 182 के आसपास का और सेकंड होगा मेरा 200 के आसपास का। अगर मैं इसका थोड़ा सा फंडामेंटल्स आपको चेक करके बता दूं, कंपनी के फंडामेंटल्स अगर आप देखो तो कंपनी का मार्केट कैप नियर अबाउट 7061 करोड़ के आसपास का है। स्टॉक पी यहाँ पे 24.4 का, इंडस्ट्री पी यहाँ पे 28.3 का। इंडस्ट्री पी के हिसाब से अभी भी अंडर वैल्यूड है। फ्री कैश फ्लो -22.3 में है और नेट प्रॉफिट यहाँ पे 216 करोड़ के आसपास का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13.7% का, रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 11.8% के आसपास का है। नेट प्रॉफिट क्वार्टरली यहाँ पे 86.1 करोड़ का है। डेट कंपनी के ऊपर 842 करोड़ का है, बट यहाँ पे डेट टू इक्विटी 0.39 है, लेस देन 1 है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव साइन है। प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे सिर्फ 45% की है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ जनरली ये कंपनी करती क्या है, ये देखो ये कंपनी जनरली केमिकल्स वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करती है, मटेरियल्स वगैरह उसके बनाती है, कार्बन मटेरियल्स वगैरह बनाती है, और देखो ये कोल पिच मैन्युफैक्चरर भी है इंडिया में बहुत बड़ी, ठीक है, जो एडवांस्ड कार्बन मटेरियल भी बनाती है इंडिया में। और आपको एक बात बता दूं, ये आने वाले समय में और भी कुछ अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है जो आने वाले समय में आपको जानने को मिलेंगे, ठीक है। अगर हम इसके यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह देख ले तो यहाँ पे देखो कंपनी का सेल्स यहाँ पे कंटिन्यूअसली ग्रोथ हो रहा था। यहाँ पे जून 2023 में खाली यहाँ पे थोड़ी सी इसकी सेल कम हुई है। एक्सपेंसेस में अगर आप देखो तो एक्सपेंसेस यहाँ पे इसके थोड़े से घटे हैं, कंपनी अंदर ही अंदर कुछ एक्सपेंशन वगैरह कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो यहाँ पे कंपनी का कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंटिन्यूअसली ग्रोथ मतलब कंपनी का जो मेन बिजनेस है उसमें ग्रोथ है, मतलब कंपनी फ्यूचर में भी अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखो कंटिन्यूअसली यहाँ पे इसका ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे नंबर्स आपको दिखा रहा हूँ तो उसके हिसाब से मुझे ये चीज अच्छे लग रहे हैं। अब हम चले जाते हैं इन्वेस्टर्स में। इन्वेस्टर्स में यहाँ पे देखिए प्रोमोटर्स के पास यहाँ पे 45.61% की हिस्सेदारी थी, अभी यहाँ पे 44.96% की हिस्सेदारी हो गई है। FIS के पास देखिए 2.36% की हिस्सेदारी थी, अभी 2.90, इसका मतलब प्रोमोटर्स ने जो थोड़ा सा हिस्सेदारी बेची है उसमें FIIs ने उसे एक्वायर करा है, ठीक है। DIS के पास देखिए 0.48% की हिस्सेदारी थी, अभी उन्होंने भी 0.05% की हिस्सेदारी इसमें बढ़ाई है। पब्लिक के पास देखिए 51.54 था, अभी भी उनके पास वही सेम हिस्सेदारी है, यानी कि पब्लिक अभी इसमें क्या कर रहे हैं, अपनी हिस्सेदारी को लेके बैठे हैं, वो ऊपर साइड में बड़े टारगेट्स का वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यही थे हमारे आज के दो स्टॉक इन पर्टिकुलर वीडियोस में जो मैं आपके लिए आज लेके आया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो लाऊं तो आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए टेलीग्राम चैनल में मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ स्टॉक्स देते रहता हूँ इंट्राडे टाइमिंग पे, जो स्टॉक्स भी मुझे अच्छे लगते हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूँ। अगर आपको ये टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब के मिल जाएगा, आप वहां से ये हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर पेरेंट्स। जय हिंद, वंदे मातरम।